Now we are going to discuss next chemical compound, that is sodium carbonate or washing soda. दूसरा chemical compound अपना है washing soda. Washing soda का chemical formula है Na2CO3, sodium carbonate. लेकिन इसके साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी मिलते हैं आपको 10H2O. तो इसका पूरा नाम क्या कह सकते हैं हम, यह है सोडियम कार्बोनेट. ये सोडियम, ये कार्बोनेट. 10 मीन्स डेका, वाटर मीन्स हाइड्रेट. तो इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट. ये जो वॉशिंग सोडा है काफ़ी यूज की चीज़ होती है, डोमेस्टिक यूज में भी आता है, इंडस्ट्रियल में भी आता है और बहुत से दूसरे कंपाउंड्स बनाने में भी काम आता है. तो ये कहाँ पाया जाता है, अगर इसकी बात करें हम क्रूड की, तो ये क्रूड फॉर्म में, यानी कि क्रूड मीन्स कच्चा जिसको बोलते हैं, रॉ फॉर्म में, तो बहुत से देशों में पाया जाता है, जैसे इजिप्ट, USA, इनमें मिलता है, या फिर अपने देश में मिलता है, इंडिया में ये मिलेगा मथुरा, वाराणसी, देहरादून, बहुत सारी कंट्रीज हैं अपने देश में भी, ऐसी जगह हैं बहुत जहां ये पाया जाता है वॉशिंग सोडा. तो इससे पहले कि इसको हम बनाने के तरीके पढ़ें कि किस तरह से मैन्युफैक्चर करते हैं, ये बात जाननी आपके लिए बहुत ज़रूरी है. ये जो Na2CO3 है, अगर आप इसको गर्म कर देंगे तो 10H2O मॉलिक्यूल यहाँ से जा भी सकता है, यानी कि अगर आप 10 मॉलिक्यूल्स को हटा देते हैं तो हटाने के बाद आपके पास बचेगा Na2CO3. फिर इसका नाम होता है सोडा ऐश. आप जानते हैं इसके मैन्युफैक्चर की कौन सी प्रोसेस है, तो इसका जो मैन्युफैक्चर है इसके मेथड का नाम है सोल्वे प्रोसेस. सोल्वे प्रोसेस से वॉशिंग सोडा को हम बना सकते हैं. इस सोल्वे प्रोसेस का ही एक और नाम भी होता है, कई बार हम इसको कहते हैं अमोनिया सोडा प्रोसेस. तो वैसे तो इसमें 5-6 रिएक्शंस दी हुई हैं, लेकिन फिर भी जो मेन रिएक्शन है जो सबको याद करनी पड़ेगी वो मैं आपको बताता हूँ, लास्ट वाली दो, फिर बाकी करेंगे. जो अपने पास ब्राइन सॉल्यूशन है 40%, यानी कि NaCl, तो NaCl के साथ H2O, CO2, ये चीज़ें जब हम मिलाते हैं NaCl के साथ H2O, CO2 और अमोनिया NH3, तो दो चीज़ें अपने पास आती हैं इसे, एक तो है NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, और दूसरा है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, या जिसको बेकिंग सोडा भी कहते हैं, मीठा सोडा भी कहते हैं. तो एक बात और क्लियर होगी यहाँ से कि जब हम बेकिंग सोडा पढ़ेंगे तो उसको बनाने की जो रिएक्शन है वो यहीं पे आ गई है, मैन्युफैक्चर की रिएक्शन, कि इससे सोल्वे प्रोसेस में इस रिएक्शन से हम इसको बना सकते हैं. वॉशिंग सोडा कैसे बनाएंगे, ये जो हमारे पास है सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको हमने गर्म कर देना, हीट कर दो. तो जब हम इसको हीट करेंगे NaHCO3, जब आप इसको हीट करोगे, गर्म करोगे, तो आपके पास आ जाएगा वॉशिंग सोडा Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2. तो ये इसके बनाने की रिएक्शन है, मैन्युफैक्चर की रिएक्शन है. अब ये दो रिएक्शन तो आपको याद रखनी ही है, इसके अलावा और जो बुक में रिएक्शन दी हुई होती हैं वो किस लिए हैं, कि हमारे पास ये चीज़ें कहाँ से आई हैं उनके लिए. NH4Cl तो आपको शुरू में ही लेना पड़ेगा, इसके अलावा हम लेते हैं लाइमस्टोन, तो मेन रिएक्शन यही है, बाकी अभी मैं बता रहा हूँ नीचे कौन कौन सी हैं. जैसे, यानी कि अब जो बता रहा हूँ यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं, ये आपने बिल्कुल लास्ट की रिएक्शन जो लास्ट में लिखनी है,
लेकिन सारी जिस स्टूडेंट को याद ना हो उसके लिए ये दोनों कंपलसरी हैं एग्ज़ाम में, ये तो आपको लिखनी पड़ेंगी। तो सबसे पहली स्टार्टिंग कहाँ से होती है अपनी इसमें, CaCO3। CaCO3 का मतलब क्या है, लाइमस्टोन यानी कैल्शियम कार्बोनेट। इसकी जब हीटिंग करते हैं तो दो चीज़ें बनेंगी, CaO एंड CO2, यह है लाइम। तो CO2 तो आपको यहीं से मिल गई इस रिएक्शन के लिए। फिर इसके बाद क्या करेंगे, ये जो CaO है इसके साथ वाटर की रिएक्शन करवाओ, लाइम के साथ। लाइम के साथ वाटर मिलेगा तो क्या बनाएगा, लाइम वाटर, CaOH होल ट्वाइस प्लस H2, 2H2O कर देना। तो ये क्या है, लाइम वाटर। अब ये जो लाइम वाटर है या इसको हम क्या बोलते हैं, स्लेक्ड लाइम, इसके साथ आपने रिएक्शन करवानी है लाइम वाटर के साथ, CaOH होल ट्वाइस के साथ NH4Cl, CaOH होल ट्वाइस प्लस NH4Cl, ये रिएक्शन करवानी है आपने, जिससे आएगा CaCl2, NH3 आएगा। देखो NH3 भी लिया ना हमने इसमें, ये तो NH3 अब इस रिएक्शन से हमें मिलेगा, CaCl2 प्लस NH3, इसके अलावा और आएगा H2O। जब आप इसको बैलेंस करोगे तो 2, 2 एंड 2, तो ये रिएक्शंस होती हैं। फिर भी यानी कि यहाँ से NH3 हम लेते हैं, यहाँ से CO2 लेते हैं, वाटर तो आपको कहीं भी मिल ही जाएगा। और NaCl का सॉल्यूशन लेना आपने ब्राइन सॉल्यूशन की फॉर्म में, कितना लेना है, 40% इसकी कंसंट्रेशन होनी चाहिए। ये जब रिएक्शन करवाते हैं तो NH4Cl और NaCO3 बनेंगे। इसको आप गर्म करोगे सोडियम बाइकार्बोनेट को, तो आपके पास आ जाएगा सोडियम कार्बोनेट जो हमें चाहिए, जो वाशिंग सोडा है। अब इसके बाद इसके देखते हैं क्या क्या यूजेज होते हैं। तो वाशिंग सोडा के यूजेज क्या क्या हैं और प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, तो यूजेज ये हैं। प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं एक बार। ये जो लास्ट वाला टॉपिक अब अपना चल रहा है इस चैप्टर में, तो इसमें ज़्यादातर आपके पढ़ने की चीज़ें हैं, समझने की कम हैं, जो हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे प्रॉपर्टीज़ में वाशिंग सोडा क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, पहली है ये वाइट कलर का ट्रांसपेरेंट सॉलिड होता है, तो पहली प्रॉपर्टी इसकी वाइट कलर का ट्रांसपेरेंट ये सॉलिड होता है, सॉलिड फॉर्म में आपको मिलेगा। दूसरा है ये जो 10H2O जो हमने शुरू में इसकी बात की थी, तो 10H2O मॉलिक्यूल्स इसके पास होते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं जो अपने क्रिस्टल्स के साथ वाटर मॉलिक्यूल्स को होल्ड कर लेते हैं, जब भी उनको ओपन एयर में रखा जाए वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इसके अंदर कंटेंस क्या पाया जाता है, 10H2O मॉलिक्यूल्स। किस फॉर्म में, क्या नाम दिया था हमने इसका, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यानी कि क्रिस्टल्स के साथ वाटर, 10 वाटर मॉलिक्यूल, इसीलिए इसका ये फार्मूला था Na2CO3 10H2O। नेक्स्ट, अब ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है इफ्लोरिसेंस। जब इसको सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, जब इसको हम खुली रूप से रख देते हैं, व्हेन इट इज केप्ट ओपन इन एयर, तो उस समय क्या होता है, 9 वाटर मॉलिक्यूल्स चले जाते हैं और 1 वाटर मॉलिक्यूल इसके अंदर रह जाता है, और इसी प्रॉपर्टी का नाम है इफ्लोरिसेंस। इफ्लोरिसेंस मीन्स क्या है ये, व्हेन केप्ट ओपन इन एयर, जब एयर में हम इसको खुले रूप से रख देंगे, 9 वाटर मॉलिक्यूल्स आर लॉस्ट।
9H2O molecules are lost. And this property is called efflorescence. It means we have the formula Na2CO3 10H2O, that is sodium carbonate decahydrate. When you will keep open in air, then 9 water molecules will remove and 1 molecule is left behind. So it is Na2CO3H2O plus 9 water molecules are removed. And this property of washing soda is called efflorescence. Next, here you are keeping it open in air, but when you start it heating, then all of the 10 molecules of water are removed and soda ash is obtained. It means when heating, or you can say upon heating, what will happen? It is sodium carbonate decahydrate, 10 H2O molecules are there. You will heat this and all of the 10 water molecules are removed away. So you will obtain soda ash, which contains no water molecules, and all of the water molecules are removed. So here are some properties of washing soda. Now we will study uses of washing soda. You can have a look here. What are the uses of washing soda? For many compounds, when we are manufacturing many compounds like glass, soap, borax. What is borax? Which is mixed with gold to make it more beneficial, or to give it the properties for which the gold is known. The formula of borax is Na2B4O7 10H2O. तो यूजेस पढ़ रहे हैं हम, क्या क्या यूज हैं? ग्लास, शीशा जो होता है वो बनाने के लिए, साबुन बनाते हैं तब यूज कर लेते हैं. बोरेक्स सुहागा कहते हैं हिंदी में, जिसे गोल्ड में मिलाते हैं, गर्म करते हैं, जिससे कि वो ज़्यादा चमकदार और हार्ड हो जाता है गोल्ड. परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, वाटर में दो तरह की हार्डनेस होती है ना, टेम्परेरी एंड परमानेंट. किसके कारण होती है? जो क्लोराइड, सल्फेट या बाइकार्बोनेट्स होते हैं, कैल्शियम के और मैग्नीशियम के, उनके कारण होती है. तो उनको रिमूव करते हैं हम किससे? वाशिंग सोडा का यूज करके, यानी कि वाटर को हार्ड से सॉफ्ट बनाया जा सकता है. परमानेंट हार्डनेस दो तरह की है, टेम्परेरी, टेम्परेरी किसके कारण होती है? बाइकार्बोनेट्स के कारण. और परमानेंट को हम दूर कर सकते हैं इसके कारण. इसके अलावा वाशिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं, कॉमन बात है. डोमेस्टिक पर्पस में क्लींजिंग एजेंट के रूप में, साफ सफाई के लिए अगर कहीं यूज करना है तो इसका यूज कर लेते हैं, और लैब में भी रिएजेंट के रूप में इसको यूज करते हैं, दैट इज वाशिंग सोडा. सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट केमिकल कंपाउंड इज सोडियम हाइड्रोक्साइड. अब हम बात करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड की. सबसे पहले इसका केमिकल फार्मूला, इसका केमिकल फार्मूला है NaOH, और इसको कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं. वाशिंग सोडा था Na2CO3, ये क्या है? कॉस्टिक सोडा. तो सबसे पहले तो इसकी मैन्युफैक्चर कैसे बनाएंगे? तो इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, इसको आप बना सकते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस करके, फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन. इलेक्ट्रोलाइसिस ब्राइन का करके आप बना सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को. ब्राइन क्या होता है? इट इज एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl. NaCl का एक्वस सॉल्यूशन है, उसी को कहा जाता है ब्राइन. तो इसका आपने इलेक्ट्रोलाइसिस कर देना है. इलेक्ट्रोलाइसिस मीन्स, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इफेक्ट इलेक्ट्रिसिटी का रहेगा, और लाइसिस मीन्स ब्रेक. तो कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिनके मोल्टन और एक्वस
सॉलिड नहीं, जिनके मोल्टन और एक्वस सॉल्यूशन में से, मोल्टन मींस कुछ नहीं मिला रखा, केवल वही सब्सटेंसेस को मेल्ट कर रखा है, तो उसको हम कहेंगे मोल्टन। एक्वस मींस उसमें वाटर मिला रखा आपने, फिर उसको आपने सॉल्यूशन में बदला है। तो कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिनके मोल्टन और एक्वस सॉल्यूशन में से जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो अपने आयंस में टूट जाते हैं। इस प्रोसेस का नाम होता है इलेक्ट्रोलाइसिस, द ब्रेकिंग अप ऑफ ए सब्सटेंस इनटू इट्स आयंस व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। तो देखते हैं इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे होता है। एक्वस सॉल्यूशन है, इसका मतलब ये है कि दो चीजें आपके पास हैं, एक तो NaCl है, इसको टूटना है। एक्वस ले लिया, इसका मतलब क्या है कि आपके पास वाटर भी है, इसको भी टूटना है। तो NaCl अपने आयंस में टूटेगा Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, और H2O अपने आयंस में टूटेगा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो इलेक्ट्रोलाइसिस में हम क्या देखते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस में हमने पहले पढ़ रखा है, आइडिया आपको है ही। इलेक्ट्रोलाइटिक वेसल लेते हैं, इसमें क्या है, दो रोड हैं, एक रोड का नाम क्या है कैथोड, जिस पर माइनस नेगेटिवली चार्ज्ड है, जो एक है एनोड जिस पर क्या है पॉजिटिव पॉजिटिवली चार्ज्ड है। इनको जोड़ते हैं और जिसका भी हमने इलेक्ट्रोलाइसिस करना है उसका सॉल्यूशन ले लेते हैं। अब यहाँ पे अगर केवल NaCl होता तो हमारा काम आसान होता, क्यों, क्योंकि जैसे ही सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी हम पास करते तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव इसमें टूटता। तो Na पॉजिटिव क्या है, कैटायन है, जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है वो कैटायन होता है, जिस पर नेगेटिव है वो क्या होता है एनायन। तो ये पॉजिटिव है कैथोड पर नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव इस नेगेटिव की तरफ जाता, डिस्चार्ज होता, यानी कि इसका चार्ज खत्म होता है, यहाँ आके जम जाता, डिपॉजिट हो जाता। और ये कहाँ आएगा, इस पर माइनस चार्ज है एनोड पर प्लस है, तो एनायन कहाँ जाएगा, एनोड पर। इट मीन्स कैटायंस विल मूव टुवर्ड्स कैथोड एंड एनायंस विल मूव टुवर्ड्स एनोड। इसमें तो सिंपल था, अब क्या हुआ, हमने ले लिया एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब ये है कि अब इनमें कंपटीशन होगा, देयर विल बी कंपटीशन बिटवीन कैटायंस एंड एनायंस। अब कैटायंस आपके पास दो आ गए और एनायंस कितने हैं, ये भी दो हैं, तो ये दोनों, अब हमें ये देखना इनमें से कौन जाएगा, इनमें से कोई एक तो कैथोड पर जाएगा, दूसरा सॉल्यूशन में बच जाएगा। इसी तरह एनायंस में से कोई एक एनोड पर जाएगा और दूसरा सॉल्यूशन में रह जाएगा। अब कौन सा जाएगा इसको डिसाइड करता है डिस्चार्ज पोटेंशियल, यानी कि कौन जल्दी डिस्चार्ज हो सकता है, वही जल्दी डिस्चार्ज होगा जो जल्दी टूटेगा। यानी कि स्ट्रेंथ लेवल पर आप यही समझ सकते हैं कि जो जल्दी टूटता है, जो पहले तैयार होगा टूट के जाने के लिए, वही भाग के पहले चला जाएगा और अपने रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पर जाके डिपॉजिट हो जाएगा या गैसेस फॉर्म में निकल जाएगा और दूसरा सॉल्यूशन में रह जाएगा। तो अभी इतनी डिटेल से हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे इसको, सिर्फ हम इतना याद रखेंगे कि इन दोनों में, क्योंकि हाइड्रोजन और सोडियम जब इनको कंपेयर करते हैं तो रिएक्टिविटी सीरीज आपने मेटल्स में देखी हुई है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, कि सोडियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है बजाय कि हाइड्रोजन के। तो डिस्चार्ज पोटेंशियल इसका कम होता है हाइड्रोजन का, तो ये पहले जाएगा कैथोड पर और यहाँ से रिलीज हो जाएगा हाइड्रोजन गैस के रूप में, और इनमें डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है Cl नेगेटिव का, ये जाएगा एनोड पर और यहाँ से रिलीज हो जाएगा। तो देखते हैं रिएक्शंस कैसे होंगी, कैथोड पर क्या रिएक्शन होती है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रिएक्शन एट कैथोड। तो कैथोड पर क्या हुआ, दो कैटायन थे, पहले कौन गया H पॉजिटिव, किस लिए गया, क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन लेने के लिए गया। तो H पॉजिटिव ने क्या किया, कैथोड पे जाके इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो प्लस कर दो इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन लेकर इसने क्या बनाया H, लेकिन H हाइड्रोजन H की फॉर्म में नहीं पाया जाता, ये तो डायटोमिक फॉर्म में पाया जाता है, तो ये इसकी नेटिव स्टेट नहीं है, यानी कि स्टेबल स्टेट नहीं है, तो इसको हम कहते हैं प्राइमरी चेंज। अगर ये इसी रूप में पाया जाता तो हमें ये लिखने की जरूरत नहीं थी प्राइमरी सेकेंडरी,
अब क्या होगा, ऐसे ऐसे जो H बन रहे हैं ये आपस में कंबाइन करेंगे और ये बना लेंगे H2। इसको हम कहेंगे सेकेंडरी चेंज, ये सेकेंडरी चेंज है। अब क्या होगा, H2 गैसियस फॉर्म में यहां से निकल जाएगा। तो H गया, कौन सा कैटायन बच गया, अब Na पॉजिटिव, ये रह जाएगा सॉल्यूशन में। अब एनोड की बात करते हैं, एनोड पर क्या रिएक्शन हुई, एनोड पर डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है इसका, यानी कि ये जल्दी डिस्चार्ज होगा, अपना चार्ज छोड़ेगा, इसी को डिस्चार्ज कहते हैं। तो इस पर माइनस है, इस पर प्लस है, तो ये क्या जा रहा है, अपना माइनस चार्ज इसको देने के लिए जा रहा है एनोड को, तो ले लो इसका माइनस चार्ज। सी एल माइनस है, ये माइनस कर दिया इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर ही तो होता है माइनस चार्ज, और ये क्या आया सी एल। अब क्लोरीन भी डायटोमिक फॉर्म में ही होता है, तो फिर से ये है प्राइमरी चेंज, प्राइमरी को ऐसे भी लिख सकते हैं वन नोट की फॉर्म में। ऐसे ऐसे दो सी एल एटम्स आपस में मिलेंगे और इसकी स्टेबल स्टेट आएगी सी एल टू। ये कैसा है, ये है सेकेंडरी चेंज। तो यहां से क्या कंक्लूजन अब अपने पास निकला, कि दो कैटायंस थे जिनमें H पॉजिटिव तो यहां चला गया, हाइड्रोजन के रूप में रिलीज होगा कैथोड से, Cl2 यानी कि क्लोरीन गैस, Cl नेगेटिव यहां गया Cl2 बन के, और क्लोरीन गैस रिलीज होगी एनोड से। सॉल्यूशन में कौन बचा, Na पॉजिटिव यहां से, OH नेगेटिव यहां से, ये दोनों आपस में कंबाइन होकर क्या बना लेते हैं NaOH, और यही हमने बनाना है, ये इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। यानी कि मैं इसे लिख सकता हूं, H2 गैस इज रिलीज्ड एट, बताओ कहां रिलीज हुई, कैथोड पर, रिलीज्ड एट कैथोड, और Cl2 कहां, एंड Cl2 गैस इज रिलीज्ड एट एनोड, ये हुई एनोड पर। और क्या हुआ, Na पॉजिटिव जो सॉल्यूशन में बचा और OH नेगेटिव, ये बना लेते हैं NaOH, Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव कंबाइंस टू फॉर्म NaOH, ये बना लेते हैं NaOH। तो ये इसका क्या है, ये है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपने भूलना नहीं है बिल्कुल भी, यहां से जो Cl2 आपके पास बन रही है, ये Cl2 गैस बनी, इसको तुरंत यहां से निकाल लेना है, यानी कि एक तरफ इकट्ठा कर लो, इस सॉल्यूशन के अंदर ये नहीं रहनी चाहिए। अगर Cl2 यहीं पे रहेगी तो फिर और कोई रिएक्शन हो जाएगी और फिर हमें ये NaOH नहीं मिलने वाला है, यानी कि Cl2 शुड नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद द सॉल्यूशन, अदरवाइज देयर विल बी सम डिफरेंट रिएक्शन। तो लिख लेते हैं इस बात को, ये बात आपने बिल्कुल ध्यान में रखनी है, Cl2 शुड नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद द सॉल्यूशन। अब NaOH का सॉल्यूशन आपके पास आ गया ना, इसके कॉन्टैक्ट में Cl2 नहीं आने चाहिए, कॉन्टैक्ट विद द सॉल्यूशन। अगर ऐसा हो गया तो कोई और रिएक्शन होगी फिर, अदरवाइज अगर कॉन्टैक्ट में आ गई, डिफरेंट रिएक्शन विल अकर। और जो आपकी मेहनत आपने की यहां पे NaOH बनाने के लिए, वो आपकी बेकार हो जाएगी। कैसे, क्योंकि NaOH के कॉन्टैक्ट में अगर Cl2 आ गया तो इससे क्या बन जाएगा, NaCl प्लस NaClO प्लस H2O, ये है टू बैलेंस करने के लिए। तो NaOH के साथ जब Cl2 मिल जाएगा तो ये बनेगा NaCl, खाली ये दोनों याद मत रखना, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रहे इसका।
क्या बनेगा, NaClO भी बनता है साथ में, NaCl, NaClO और H2O। यानी कि अगर Cl2, पॉइंट क्या था अपना, अगर Cl2 कॉन्टेक्ट में आ गई तो फिर NaOH नहीं बचेगा अपने पास, और हमने क्या प्रिपेयर करना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो Cl2 इसके कॉन्टेक्ट में नहीं आनी चाहिए। अब बात करते हैं इसके यूजेज की। तो अब हैं यूजेज सोडियम हाइड्रोक्साइड के, तो ये आप पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं, आसान से हैं। कास्टिक सोडा क्या क्या यूज़ हैं, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स जब हम बनाते हैं तब यूज़ करते हैं। ये रिएक्शन आगे जाके आएगी, यहाँ कोई विशेष फ़ायदा नहीं है डिस्कस करने का। जब आप सोप बनाते हैं जैसे CH2, CH2, यहाँ से जुड़ा होता है ये C15H31COO, C15H31COO, और इसके साथ NaOH के 3 मॉलिक्यूल्स लेते हैं हम। ये सोप बनाने की रिएक्शन है, सेपोनिफिकेशन की, साबुन बनाने की। तो क्या होता है, ये जो हैं ये और ये तीनों OH, ये तो चले जाते हैं ग्लिसरॉल के रूप में, और C15H31COO Na, एक बार, दो बार, तीन बार। तो ये जो बनता है C15H31COONA, यही क्या होता है, ये सोप का फार्मूला है, यही साबुन। तो साबुन डिटर्जेंट वगैरह बनाने के लिए, क्योंकि सोडियम के साल्ट ही होते हैं साबुन, ये सोप्स वगैरह जो है, तो उसके लिए यूज़ करते हैं। इंडस्ट्रीज़ में क्लीनिंग एजेंट, साफ़ सफाई के लिए एजेंट के रूप में यूज़ कर लेंगे। पेपर जब बनाते हैं इंडस्ट्रीज़ में, वहाँ पे सॉल्यूशंस में इसका यूज़ करते हैं। मेटल्स की डीग्रीज करना है, ग्रीस मतलब चिकनाई, ग्रीस लगा हुआ है तो उसको भी साफ़ करते हैं, या फिर डाइज ब्लीचीज बनाते हैं वहाँ पे, यानी कि सफाई से ही है मेन ताल्लुक इसका। आर्टिफिशियल फाइबर जैसे रेयन है वो बनाते हैं तब यूज़ करते हैं, और एल्यूमिनियम का और होता है बॉक्साइट, जिससे हम निकालते हैं यानी कि एक्सट्रैक्ट करते हैं Al2O3 बॉक्साइट, और तो उस दौरान भी हम इसका यूज़ करते हैं। ये हैं यूजेस किसके, सोडियम हाइड्रोक्साइड के। नेक्स्ट कंपाउंड है जिसके बारे में बहुत कम बातें अब अपने पास रह गई हैं, क्योंकि सोडियम कार्बोनेट जब हमने किया था तो वहीं पे आ चुका था। देखते हैं उसकी मेन प्रॉपर्टीज़, यूजेस क्या क्या हैं। नेक्स्ट कंपाउंड है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या है, NaHCO3। तो नेक्स्ट कंपाउंड पढ़ लेते हैं, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का दूसरा नाम सोडियम बाइकार्बोनेट, और फॉर्मूला तो क्लियर हो ही गया होगा अब आपको, सोडियम बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट क्या होता है, HCO3, तो इसका फॉर्मूला है NaHCO3। यह है सोडियम बाइकार्बोनेट। कैसे बनता है पढ़ चुके हैं पहले हम, मैन्युफैक्चर वही प्रोसेस याद करो, सोलवे प्रोसेस। सोलवे प्रोसेस से हम इसको बना सकते हैं, आ रहा होगा याद। सोलवे प्रोसेस में क्या क्या किया था हमने, NaCl था, H2O, CO2 और NH3, ये चीज़ें ली थी हमने सारी, जिसकी वजह से क्या बना था, NH4Cl एंड NaHCO3। ये रिएक्शन पढ़ी हमने जब हम पढ़ रहे थे ना इसको, Na2CO3। तो Na2CO3 इसी से तो बनता है, जो NaHCO3 है वहीं से। तो यानी कि ब्राइन सॉल्यूशन के साथ जब H2O, CO2, NH3 हम मिलाते हैं तब एक तो ये बनता है, ये हमारे यहाँ काम का नहीं है, ये है अपना बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा इससे बनाया जाता है। कहाँ यूज होता है, बेकिंग का मतलब होता है बेकिंग पर्पज़ के लिए, पकाने के लिए इसका यूज़ करते हैं। अब देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। तो इसकी प्रॉपर्टीज, सबसे पहली प्रॉपर्टी है ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है। घरों में बहुत ज़्यादा यूज होता है, घर में ज़्यादा यूज़
कई बार कर लेते हैं, वरना जो हलवाई वगैरह होते हैं वो काफ़ी यूज़ करते हैं इसका, क्योंकि बेकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ होगा। यानी कि अगर आप किसी चीज़ को जल्दी पकाना चाहते हैं तो उसमें बेकिंग सोडा का यूज़ किया जाता है। तो वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी है कि ये जब आप इसको गर्म करोगे तो गर्म करते क्या होगा, CO2 गैस ये इवोल्व करता है अपॉन हीटिंग। अगर आप इसकी हीटिंग करोगे तो CO2 गैस इज इवोल्व, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवोल्व होती है और इसी के कारण फिर वो चीज़ें बेक होती हैं। जैसे कि बेक का मतलब पकना, जब CO2 गैस उनमें से निकलेगी तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी जिसके कारण वो फिर चीज़ पक जाती है। यानी कि ये रिएक्शन NaHCO3 गर्म करो, पड़ी हुई हमने Na2CO3 प्लस CO2 एंड H2, तो जब गर्म करते हैं तो ये रिएक्शन इसकी होती है। CO2 गैस इसमें क्या होती है, इवोल्व होती है। नेक्स्ट, ये वाटर में लेस सोल्यूबल होता है, होता तो है लेकिन कम होता है, लेस सोल्यूबल इन वाटर। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं बेकिंग सोडा की जो हमने याद रखनी है, मेन प्रॉपर्टीज। अगर कोई हमसे ये पूछ ले कि भाई ये कैसा होता है, सॉल्यूशन कैसा है इसका, एसिडिक है, बेसिक है, कैसा है, तो ये अल्कलाइन होता है सॉल्यूशन में, अल्कलाइन सॉल्यूशन फॉर्म करता है। यूजेस देख लेते हैं इसके क्या हैं। तो पहला तो यूज है ही बेकिंग पर्पजेज में, जब पकाते हैं फूड आइटम्स को, या बेकरी वाले इसका बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, बेकिंग पर्पज में यूज कर सकते हैं। दूसरा इसका इम्पोर्टेंट यूज़ है, ये एक एंटासिड के रूप में भी यूज़ होता है, क्योंकि ये नेचर में कैसा है, अल्कलाइन है, तो एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए। एसिडिटी शायद हम पढ़ चुके हैं इसमें, फिर से याद आपको दिला देता हूँ, जब कभी भी ओवर ईटिंग होती है या फिर फैट्स वाले या ऑयल्स वाली चीज़ें ज़्यादा खाई जाती हैं तो एसिड का प्रोडक्शन होता है स्टमक में, जिसे पेन होती है, इरिटेशन होती है, जलन होती है, जिसको कहते हैं एसिडिटी। तो उसको ख़त्म करने के लिए एंटासिड के रूप में इसका यूज़ किया जाता है, एज एन एंटासिड, बिकॉज इट्स अल्कलाइन इन नेचर। तीसरी इसका इम्पोर्टेंट यूज़ है, थर्ड एप्लीकेशन है, फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने वाले जो यंत्र होते हैं उस मटेरियल में भी इसका यूज़ करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी बेकिंग सोडा का यूज़ किया जा सकता है, और बहुत सारे यूज़ हो सकते हैं। तो ये मेन बात थी बेकिंग सोडा के बारे में। नेक्स्ट केमिकल कंपाउंड है अपना प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, ये भी कॉमन केमिकल है जो बहुत काफ़ी जगह आप इसका यूज़ करते हो, देखा होगा आपने यूज़। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, 5000 ईयर्स अगो, 5000 साल पहले जो इजिप्ट देश के आदमी थे, उनको ज़रूरत पड़ी कि भाई जो हम मोनूमेंट्स बनाते हैं, जो बिल्डिंग्स, हवेलियाँ या किले, जो ऐसी चीज़ें बनाई जाती हैं, उन मोनूमेंट्स के लिए उन्हें ज़रूरत थी एक सीमेंटिंग मटेरियल की, कि जो सीमेंट की तरह काम कर सके। यानी कि इन मोनूमेंट्स के जो ब्लॉक्स होते थे उनमें सीमेंट का काम कर सके। तो इन्होंने क्या किया, जो जिप्सम था उसको एयर में रख दिया, ओपन एयर में जिप्सम को रखा, और इसकी वजह से उनको मिल गया प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो कि फिर सीमेंटिंग मटेरियल का काम करता था इनके मोनूमेंट्स में। अब ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, तो इसको ये नाम क्यों दिया प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका कारण है क्योंकि पेरिस में एक माउंटेन है जिसका नाम है माउंट मार्ट्री, वहां पर ये पाया जाता है, इट इज फाउंड एट दिस माउंटेन, इसीलिए यानी कि इसके ऊपर ज्यादा मात्रा में वहां मिलता है, तो इसका नाम ही रख दिया फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका फार्मूला क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला है CaSO4
हाफ एच टू ओ। इसी को अभी दूसरे रूप में भी लिखेंगे, पहले इसका नाम लिख के देखते हैं ये क्या है। ये है सी ए मीन्स कैल्शियम, एसओ फोर मीन्स सल्फेट, हाफ मीन्स हेमी, वाटर मीन्स हाइड्रेट। तो इसका पूरा नाम कैसे लिखेंगे, कैल्शियम सल्फेट और हाफ के लिए हेमी, वाटर के लिए हाइड्रेट। तो ये इसका केमिकल नेम होगा, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। कैसे बनाया जाता है, मैन्युफैक्चर, वैसे तो ऊपर लगभग स्पष्ट हो ही गई ये बात। ये जिप्सम से बनाया जाता है, फ्रॉम जिप्सम, इट इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम जिप्सम। जिप्सम का फार्मूला क्या है, ये फार्मूला है CSO4 2H2। तो जिप्सम को गर्म करते हैं हम लगभग 100 डिग्री सेल्सियस पर, या केल्विन में कहें तो इसको कहेंगे 373 केल्विन, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन के बराबर होता है। ये आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो हमारे पास क्या है, ये है CaSO4 2H2O। इसको आपने हीट कर देना है 373 केल्विन पर, या क्या कहें इसको 100 डिग्री सेल्सियस, एक ही बात है। तो इसमें से क्या होगा, हाफ वाटर मॉलिक्यूल तो इसके पास रह जाएगा और 1.5 यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो यह आएगा CaSO4 1/2 H2O और चला क्या गया 1.5, या इसको मैं कह सकता हूँ 3.2 वाटर मॉलिक्यूल। अब जब केमिस्ट्री में हम ऐसे केमिकल इक्वेशंस लिखते हैं तो वो हमारी कोशिश होनी चाहिए, कोशिश क्या करना ही पड़ेगा कि हमें ये होल नंबर में लिखने होते हैं। तो इसको होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को 2 से आप मल्टीप्लाई कर दो। ये सारी इक्वेशन लास्ट तक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो। तो जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, CaSO4 2H2O। ये जो है ये सारा का सारा, इसको 2 से आपने मल्टीप्लाई किया, अब ये सब के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो जब इसको करोगे तो ये क्या होगा, CaSO4 ये 2 होगा, ये हाफ एच टू है तो हाफ इंटू 2, 2 से 2 कट गया, यानी कि ये क्या आ गया, वाटर आ गया। यानी कि इसी को जो फार्मूला हमने लिखा CSO4 1/2 H2O, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CSO4 2H2O प्लस ये क्या आया 3/2 है इंटू 2, 2 से 2 कट गया 3H2O। तो ये जो अपने पास है ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP भी जिसको बोल देते हैं सिंपली। तो ये इसका मैन्युफैक्चर है कि जिप्सम से हम इसको बना सकते हैं। अब यहाँ पे एक बात नोट करनी है आपने, जिप्सम को आप हीट कर रहे हो तो इसकी ओवर हीटिंग आपने नहीं करनी है। अगर ओवर हीटिंग होगी, ज़्यादा गर्म कर दिया, तो फिर ये जो वन वाटर मॉलिक्यूल ये भी चला जाएगा, फिर आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं मिलेगा। यानी कि जिप्सम की हैवी हीटिंग जो है, ज़्यादा हीटिंग, वो आपने अवॉइड करनी है, वो आपने नहीं करनी है। जिप्सम की हैवी हीटिंग नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज क्या हैं, प्रॉपर्टीज ये क्या है। पहली बात तो ये वाइट पाउडर के रूप में मिलेगा, वाइट पाउडर की फॉर्म में पाया जाता है। सेकंड, इसमें क्या है, अगर आप इसको वाटर में मिक्स कर देते हैं पीओपी को, तो फिर ये धीरे धीरे जमा होके और हार्ड मटेरियल का रूप ले सकता है। ऑन मिक्सिंग विद वाटर, अगर वाटर के साथ आप मिक्स करेंगे तो इसमें विशेष टाइप की प्रॉपर्टीज हैं कि ये सेट हो जाता है, सेटिंग प्रॉपर्टीज हैं इसकी। यानी कि वाटर के साथ मिक्सिंग करके ये अपनी अलग तरह की प्रॉपर्टीज शो करेगा, जिनको कहेंगे सेटिंग प्रॉपर्टीज। मेन तो यही है, प्रॉपर्टीज यूजेज की बात कर लेते हैं।
तो ये यूजेज में क्या क्या है, जितने भी आप, यानी कि जितने भी तो नहीं, बहुत सारे डेकोरेटिव मटेरियल्स उनमें यूज कर सकते हैं। यह सबसे पहले तो जो मेन आप जानते हैं, फ्रैक्चर्ड बोन्स। जब बोन्स फ्रैक्चर हो जाती हैं, हड्डियाँ टूट जाती हैं, तो इसमें क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में आप वाटर मिलाएंगे तो वो एक पेस्ट की टाइप का हो जाएगा। फिर जहाँ भी हड्डियाँ टूटी हुई हैं वहाँ पे उसको लगा देते हैं। कुछ देर के बाद वो क्या होगा, जब सूख जाएगा तो वो हार्ड हो जाता है और फिर बोन्स की मूवमेंट नहीं होने देता। जब बोन्स की मूवमेंट नहीं होगी तो वो उनको टाइम मिल जाता है जुड़ने का। जैसे जैसे आदमी डाइट लेता है फिर वो जुड़ती चली जाती हैं। तो फ्रैक्चर्ड बोन्स के लिए यूज़ करते हैं। डेकोरेटिव सब्सटेंसेस इसके बनाए जाते हैं, डेकोरेटिव थिंग्स, या फिर इसका यूज कर लेते हैं हम ज्वेलरी में, आर्टिफिशियल, या फिर जैसे स्टेच्यूज जो बनाते हैं, पुतले जो होते हैं उसमें यूज कर लेते हैं इसका। नेक्स्ट, आप इनको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, एक ही बात बहुत सारे यूज हो गए। नेक्स्ट है जो लैब्स होती हैं जिनमें एक्सपेरिमेंट करते हैं साइंस के, उनको एयर टाइट करने के लिए, कि भाई कहीं से भी कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे होते हैं जिनमें हमें एयर को अवॉइड करना होता है, ऑक्सीजन एयर ये चीज़ें नहीं चाहिए, तो उसको एयर टाइट बनाने के लिए क्या करते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं, जो छेद रह जाते हैं, उनमें फिर क्या करते हैं हम, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस POP लगा देते हैं, तो फिर उससे वो एयर टाइट हो जाती है। यानी कि लैब्स को एयर टाइट बनाने के लिए इसका यूज करते हैं। इसके अलावा वॉल्स के ऊपर POP लगाई जाती है, POP अप्लाई करते हैं, लगभग सभी घरों में होती है, तो वॉल्स की डेकोरेशन के लिए एटसेट्रा जो भी है उसके लिए भी इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेन बातें थी प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट केमिकल है अपना ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो ये है ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। स्ट्रक्चर कैसे लिख सकते हैं, आपको पता है कैल्शियम की वैलेंसी होती है 2, तो ये कैल्शियम एक तरफ है Cl और दूसरी तरफ है OCl, ये है CaOCl2। इसको क्लोरीनेटेड लाइम भी बोल सकते हैं या क्लोराइड ऑफ लाइम भी कह देते हैं। कैसे बनता है, स्लेक्ट लाइम से बनाया जाता है मैन्युफैक्चर। फ्रॉम स्लेक्ट लाइम या लाइम वाटर जिसको आप कह सकते हो, उससे ये प्रिपेयर किया जाता है। रिएक्शन है CaOH2, ये स्लेक्ट लाइम है, Cl2 की रिएक्शन करवाओ क्लोरीन की, तो इससे बनता है CaOCl2 प्लस H2। तो ये है इसकी रिएक्शन। अब ये कैसे बनता है, इसके लिए एक स्पेशल प्लांट बनाया जाता है, पूरा प्रोसेस है, उस प्लांट का नाम है हेजनक्लेवर एंड बैकमैन प्लांट। ये एक अरेंजमेंट बनाया जाता है, इसमें क्या होता है, रोटेटिंग सिलेंडर्स होते हैं, कुछ सिलेंडर हैं जो घूमते रहेंगे लगातार। इट कंटेन्स रोटेटिंग सिलेंडर्स, और इन रोटेटिंग सिलेंडर्स में हम क्या करेंगे, ऊपर से लगातार ये सिलेंडर घूम रहे हैं, ऊपर से तो हम डालते हैं स्लेक्ट लाइम और नीचे से डालते हैं क्लोरीन, यानी कि फ्रॉम अपर साइड, अपर साइड से हमने क्या डाला इनमें, इस प्लांट के अंदर CaOH2, और लोअर साइड से क्या इंट्रोड्यूस करते हैं, क्लोरीन गैस। तो ये दोनों, ये और ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं और क्या बनता है, फिर कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड बनता है, CaOCl2, जिसे कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ये जो रिएक्शन आपकी है,
ये भी थोड़ा सा गर्म करना पड़ेगा, 313 केल्विन, 313 केल्विन तक इसको आपको गर्म करना पड़ेगा। अब इसमें आपको एक बात और खास है जो ध्यान रखनी है कि अगर एक्चुअली बात करें, रियली बात करें, तो ब्लीचिंग पाउडर अकेला सब्सटेंस नहीं है, ये मिक्सर के रूप में पाया जाता है, यानी कि एक्चुअली इट इज द मिक्सर ऑफ कंपाउंड्स, एक्चुअली इट इज ए मिक्सर ऑफ कंपाउंड्स, ये कुछ कंपाउंड्स का मिक्सर है। कौन कौन से कंपाउंड हैं? एक तो यही होगा CaOCl2 4H2O, इसके अलावा CaCl2, और इसके अलावा है CaOH2, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaCl2 तो है ही, और इसके साथ में है H2O, यानी कि CaCl2 CaOH2H2O। ये बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिनका ये क्या है, मिक्सर होता है ब्लीचिंग पाउडर। काम क्या है इसका, मेन काम तो ब्लीचिंग ही रहेगा। ब्लीचिंग मीन्स रफली तो आप सफाई भी कह सकते हो, लेकिन एक्चुअल ब्लीचिंग का मतलब होता है किसी भी कलर्ड कंपाउंड को जब कलरलेस में बदल दिया जाता है। कलर्ड कंपाउंड है कोई भी और उसको क्या कर देते हैं, कलरलेस, यानी कि उसका कोई कलर ना रहे, इसको कहते हैं ब्लीचिंग। और ये जो ब्लीचिंग का एक्शन है ये होता है नेसेंट ऑक्सीजन के कारण। नेसेंट का मतलब है न्यूली फॉर्म्ड ऑक्सीजन, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। ब्लीचिंग मीन्स क्या होता है, कलर्ड कंपाउंड को कलरलेस बनाना, और ब्लीचिंग का जो एक्शन है इसका कारण क्या है, किसके कारण ये होता है, वो है नेसेंट ऑक्सीजन। द एक्शन ऑफ ब्लीचिंग इज ड्यू टू नेसेंट ऑक्सीजन, ब्लीचिंग का यही मेन होता है। जैसे ये होते हैं ना ब्यूटी पार्लर्स, हेयर और सैलून्स, ये ब्लीचिंग, तो उस ब्लीचिंग का मतलब क्या होता है कि कहीं भी जो कलर्ड चीज़ें हैं चेहरे पे या कहीं भी, तो क्या करते हैं वो क्रीम वगैरह लगा उसको ब्लीच करते हैं। ब्लीच मीन्स जो भी है, मान लिया कोई भी किसी भी टाइप का निशान है तो क्या होगा, वो कलरलेस हो जाएगा। कलरलेस मीन्स जो आपकी स्किन का कलर है उसमें वो मैच होगा, क्योंकि उसका खुद का कलर रहा नहीं, तो उसी को क्या कहते हैं, ब्लीचिंग कहते हैं। तो ये ब्लीचिंग पाउडर है, ब्लीचिंग एक्शन इसका होता है नेसेंट ऑक्सीजन के कारण, ये ब्लीचिंग एक्शन होता है। अब है इसकी प्रॉपर्टीज, ब्लीचिंग पाउडर की क्या क्या प्रॉपर्टीज है। तो ये वाइट येलोइश पाउडर होता है, येलोइश मीन्स धुंधला, मैले से रंग का पीला होता है, वाइट येलोइश पाउडर की फॉर्म में पाया जाएगा। इसके बाद इसकी प्रॉपर्टी नेक्स्ट है, अगर आप इसको एयर के एक्सपोजर में लिया हो, तो एयर के एक्सपोजर में आते ही, संपर्क में आते ही ये क्लोरीन को लूज कर देता है, लूजेस क्लोरीन, ये इसकी दूसरी खासियत है, दूसरी प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है इसकी रिएक्शन, इसकी काफ़ी रिएक्शंस हो सकती हैं, तो क्या क्या रिएक्शंस इसकी होती हैं औरों के साथ, जैसे CO2 के साथ, तो CaOCl2 जब ये CO2 के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, CaCO3, ये मेन कंपाउंड है CaCO3, और क्लोरीन गैस चली जाएगी। इसी तरह और भी इसकी रिएक्शन हो सकती है, जैसे कि आप रिएक्शन करवा सकते हो HCl के साथ या H2SO4 के साथ, तो CaOCl2 HCl के साथ रिएक्शन करवाओ, तो HCl के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे तब की बार क्या जाएगा, Cl2 तो जाएगा ही, साथ में क्या जाएगा, वाटर भी जाएगा, और ये क्या है, CaCl2 बन जाता है, CaCl2 प्लस H2O प्लस Cl2, बैलेंस या नहीं कर रहा हूँ मैं रिएक्शन, आप अपने आप देख लेना, CaOCl2। इसी तरह H2SO4 के साथ आप इसकी रिएक्शन करवा सकते हैं, तो क्या बनेगा, CaSO4 प्लस H2O प्लस Cl2। तो ये इस टाइप से ये क्या करता है, केमिकल रिएक्शन भी करता है ब्लीचिंग पाउडर, और भी इसकी काफ़ी रिएक्शंस हो सकती हैं।
और बिल्कुल लास्ट में हम चैप्टर के बिल्कुल एंड पर खड़े हैं। अब यूजेज बच गए इसके, तो क्या क्या यूजेज हैं। पहला है ब्लीचिंग, फॉर ब्लीचिंग कॉटन, कॉटन की ब्लीचिंग के लिए, या दूसरे और केमिकल्स जैसे वुड पल्प, इसकी ब्लीचिंग के लिए, वॉशिंग क्लोथिस, इसके लिए यूज कर सकते हैं। यानी कि ब्लीचिंग का ही रहेगा इसका मेन एक्शन। तो नेक्स्ट है, ये एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, यानी कि ऑक्सीडाइज करता है सामने वाले को, तो ये गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ब्लीचिंग पाउडर इज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड डेली लाइफ में बहुत अच्छा यूज। जो अपना ड्रिंकिंग वाटर होता है कई बार जो खराब हो जाता है, उसके अंदर भी ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं जिससे वो उसको साफ कर देता है। यानी कि फॉर डिसइंफेक्टिंग, डिसइंफेक्टेंट के रूप में यूज होगा ड्रिंकिंग वाटर। तो ये थे कुछ केमिकल कंपाउंड्स जो इंपॉर्टेंट थे। सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज ऑल अबाउट आवर सेकेंड चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री ऑफ 10th क्लास, एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स।